नमस्कार मरम छात्र छात्री तुम लोग सकुक मैं मोर यूट्यूब चेनेल एक्टिव स्टाडी आसाम स्वागत आज भिडिओ जरिए तृतीय श्रेणी आम आम पाठ्यपुथ पाठ नौ चार विचित्र प्राणी नाम पाठ आलोचना करते यार प्रश्नोत्तरबूर तुम लोग दी चेस्ा कर भिडिओ आरम्भ करो मरम छात्र छात्री तुम लोग चेनेल नतुनक चेनेल मात्र सबसक्राइब कर रखा जाते परवर्ती भिडिओ अति सोकाले पाई प्रथम जान लो पाठ जरिए तुम लोग शिक्षा इते जलचर स्थलचर उपचर प्राणी विषय जानवरबा अर्थात किसान पानी थका किसान माटित थका किसान माटि पानी उभय थका जंतुर विषय जानवरबा प्राणी विषय जानवरबा विभिन्न प्राणी विभिन्न खाद्य खा जिये थके अर्थात विभिन्न प्राणी खाद्यभग विभिन्न धरण जनेकवा किसुमाने खावा बन खाई जिये थके किसुमाने मांस खाई जिये थके किसुमाने मास खाई जिये थके किसुमाने फल मूल खाई जिये थके तार पिछत कि बेसिभाग प्राणीये जे खाद्यर बाबे उद्भिदर ऊपर निर्भरशील एई विषये जानिबा परिबा एकमात्र उद्भिदे निजर आहार निजे तैयार करिब पारे बाकी जिमान प्राणी जीवजंतु आछे खाद्यर बाबे अन्य जीवजंतु बा उद्भिदर ऊपर निर्भर करिब लागे तार पिछत कि जे खाद्यभागर ऊपर निर्भर करि जे प्राणीर शरीर किसु अंग प्रत्यंग जेने दात नख ठोट आदि गठन बेलेग बेलेग हय एई विषये बुझि पाबा तार पिछत कि प्राणीर चलन फुरन एइबोर विषये जानिब पारिबा एई खाद्यभाग बा खाद्य खोवार ऊपर भित्ति करि प्राणी समूह तीनटा भागत भाग करा हैछे तारे प्रथमटो आछे तृणभोजी द्वितीयटो मांसभोजी आरु तृतीयटो सर्वभोजी सर्वभोजीर भितरत मानु काउरी कुकुर आदि हैछे प्रधान तेनेहले आमि कि भोजी प्राणी सर्वभोजी प्राणी आमाक कियो सर्वभोजी प्राणी बुलि कोवा हैछे आमि सकलो धरणर खाद्य ग्रहण करि जियै थाको बाबे आमाक सर्वभोजी प्राणी बुलि कोवा हैछे तेनेहले मरम छात्र छात्री सकल पाठ तुम लोग भालके पढ़िबा एतिया आमि इयार पाठभित्तिक प्रश्न उत्तर बुर दिबले चेष्टा करिम इतिमध्ये आगर पाठर भिडिओबुर प्रस्तुत करि तुम लोग तृतीय श्रेणी प्लेलिस्टत दि आछे तुम लोग तार पर चाब पारिबा बा मय डेसक्रिप्शन बक्स तो दीम तार चाब पारिबा आसन कि दिछे प्रथम तो एक क माटि आरु पानी दुय ठाइते थाकिब परा एटा प्राणीर नाम लिखिब दिछे तुम लोग कि लिखिबा इयार उत्तर माटि आरु पानी दुय ठाइते थाकिब परा एटा प्राणीर नाम हल भेकुली सेइ कारणे भेकुलीक कि बुलि कोवा हय उभचर प्राणी बुलि कोवा हय ख नम्बर दुबिध मांसभोजी प्राणीर नाम बाघ सिंह हियाल तारे जिकोनो दुटा लिखिले हल आरु बहुत आछे तार पिछत ग नम्बर कि दिछे उड़िब नोवारा दुटा चराइर नाम यार उत्तर कि हब उड़ ना चराई दूटार नाम हल उत्पक्षी और पेंगुइन एविध कि दौड़ पारे और एविध पानी सतुर पारे घ नम्बर एट शिकारी चराइर नाम लिखा यार उत्तर कि हब एट शिकारी चराइर नाम हल शगुन तार पिछत प्रश्न कि दी आछे बेगाई दौड़ पारा एट चराइर नाम उत्तर कि हब बेगाई दौड़ पारा एट चराइर नाम हल उत्पक्षी उत्पक्षिये बड़ बेगाई दौड़ पारे दु नम्बर प्रश्न क अंशर लगत ख अंश आस्थानी मिलवा तुम लोग आस्थानी मिले दिबा भेकुली उभचर हियाल मांसभोजी काउरी सर्वभोजी हरिणा तृणभोजी तुम लोग क अंशर लगत ख अंश आस्थानी मिले सम्पूर्ण करिबा तीन नम्बर तो खाली ठाई पुर करा तुम लोग खाली ठाई पुर करिबा एइदरे जेठी और भेकुलिये पोक पतंग खाय मासे फिसार सहायत सातुरिब पारे बालिमाही चराये बहु दूरले उड़िब पारे उटपक्षिये बेगाई दौड़िब पारे तुम लोग एइदरे लिखी दिबा एटा सम्पूर्ण हब एतिया पार्थक्य लिखिब दिछे क नम्बर तृणभोजी और मांसभोजी प्राणी ख नम्बर बनरिया और घरसिया प्राणी एतिया तुम लोग पार्थक्य लिख लगे क नम्बर पार्थक्य तो लिखा यह तृणभोजी और मांसभोजी प्राणी किसान प्राणी घा बन गसर पात खा जिये थके प्राणी से तृणभोजी प्राणी जेने गोरु छागली घोड़ा आदि आनते किसान प्राणी आन प्राणी मांस खा जिये थके प्राणी से मांसभोजी प्राणी जेने बाघ सिंह हियाल आदि मांसभोजी प्राणीबूर दात नख आदि चोका है
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পাৰ্থক্যখিনি এইদৰে লিখি দিবা। পৰৱৰ্তী পাৰ্থক্য হৈছে বনৰীয়া আৰু ঘৰচীয়া প্ৰাণী। ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা, বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰ হাবিত থাকে, ইহঁতে নিজে নিজৰ আহাৰ আৰু থকা ঠাই বিচাৰি লয়, যেনে বাঘ, সিংহ, হাতী আদি। আকৌ ঘৰচীয়া প্ৰাণীবোৰ মানুহৰ ঘৰত থাকে, ইহঁতৰ থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা মানুহে কৰি দিয়ে, যেনে গৰু, ছাগলী, ঘোঁৰা আদি। তোমালোকে এইদৰে লিখি দিবা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, হাঁহৰ ঠোঁটত থকা ফুটা দুটাৰ কাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ, হাঁহে খাদ্যত মিহলি হৈ থকা বোকা পানীবোৰ ঠোঁটত থকা ফুটা দুটাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, ভেকুলীৰ জীৱাখন ক'ত লাগি থাকে? ইয়াৰ উত্তৰ, ভেকুলীৰ জীৱাখন মুখৰ সন্মুখৰ ভাগত লাগি থাকে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বুকুত ভৰ দি বগাই যোৱা তিনিবিধ প্ৰাণীৰ নাম লিখা। উত্তৰ, বুকুত ভৰ দি বগাই যোৱা প্ৰাণী তিনিবিধ হ'ল ঠোৰা সাপ, ঘৰিয়াল আৰু কাছ। তোমালোকে এইদৰে লিখি দিবা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, খাদ্যাভাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাণীসমূহক কেই ভাগত ভগাব পাৰি? ভাগকেইটাৰ নাম লিখা। উত্তৰ, খাদ্যাভাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাণীসমূহক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যেনে তৃণভোজী, মাংসভোজী আৰু সৰ্বভোজী প্ৰাণী। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চৰাইয়ে কিয় আকাশত উৰিব পাৰে? উত্তৰ, চৰাইৰ দেহটো মাকৰ নিচিনা, হাড়বোৰ ফোপোলা হোৱাৰ বাবে গাটো পাতল, চৰাই ডেউকা আৰু নেজত পাখি থাকে, এনে পাখি আৰু ডেউকাৰ সহায়ত চৰাইয়ে আকাশত উৰিব পাৰে। একেবাৰে শেষৰটো অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ছবি চাই কোনটো কাৰ ঠোঁট লিখা? ইয়াতে 3, 4, 5, 6, 7টা চৰাইৰ ঠোঁটৰ ছবি দিছে, তোমালোকে নিজে লিখিব লাগিব। হাঁহ, ভাটৌ এইবোৰ চৰাইৰ ছবি দিছে, তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাবা, যদি নোৱাৰা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ অতি সহজতে পাই থাকা। ধন্যবাদ। জয় অসম।